क्या इमाम हसन ने इसलिए सुलह की थी कि उनके छोटे भाई को इस तरह कत्ल कर दिए थे? अगर हजरत हसन इब्न अली जिंदा हो जाए और उन्हें पता चले कि मैंने जिस शख्स से सुलह की थी उसने मेरी सुलह को तोड़ा मेरे बाद और उसका अल्टीमेट अंजाम यह हुआ कि मेरा भाई भी कत्ल हो गया, तो वो कहेंगे तो सुलह खत्म हो गई। लिहाजा याद रखिएगा, सुलह हसन उसी दिन टूट गई थी जिस दिन यजीद हुक्मरान बना था, क्योंकि उन्होंने उस शर्त पे अमल नहीं किया। और दूसरा, कर्बला के बाद तो सुलह हसन का कोई जवाब ही नहीं है। ये इसी दिन सुलह हुदैबिया भी टूट चुकी है। यहां लोग सुलह हुदैबिया के मिसाले देते हैं। सुलह हुदैबिया तो टूट गई थी, तभी तो फतह मक्का हुआ था, क्योंकि काफिरों ने सुलह तोड़ दी थी, हुजूर ने उनके पर चढ़ाई कर दी, तो यहां पर भी सुलह टूट गई। और नबी इस्लाम ने हजरत अली को ये सुलह हुदैबिया और तकीम तो आपने कंपेयर किया है, तो सुलह हसन टूट चुकी है। लेकिन सुलह हसन तब भी टूट गई थी जब हजरत मावी रजी अल्लाह का विसाल हो गया था, तो उसके बाद यजीद आ गया, तो सुलह हसन तो नहीं आ गया था। यजीद को बुला के गया, बुखारी में मौजूद है, अपनी जिंदगी में बैठ लिए। हदीस नंबर क्या उसका? 4827 है, जहां पे उन्होंने बैत ली। हां, बरमान कहता है कि अमीर मोमिनीन, वो कहता है मेरे अजीज हम वतन, अल्लाह ने अमीर मोमिनीन को ये सुझाया, वो उम्मत के वसीयत मफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करना चाहते हैं। तो आप खोल के पढ़ लें बुखारी में और तफसीर इब्ने कसीर में, सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 के कॉन्टेक्स्ट में इब्ने कसीर ने पूरा वो वाकया बुखारी और बाकी सारी हदीस की किताबों से जमा किया है कि अब्दुल रहमान बिन अबी बकर खड़े होते हैं कि तेरा अमीर मोमिनीन तो चाहता है कैसे किस तरह के तरीके पे चले, अबू बकर उमर के तरीके पे नहीं। ठीक है, तो मैंने कई बार हदीस बयान की, मेरा करबला वाला सच पेपर पढ़े तो 14 तबका के रोशन हो।